OnePlus 11R 5G स्मार्टफोन के लिए ऑक्सीजन OS 15 का अपडेट है वो इंडिया में रिलीज हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग इस अपडेट का रिव्यू करने वाले हैं। हमारे चैनल पे काफी सारे ऐसे यूजर हैं जिनके पास में 11R स्मार्टफोन है और उन्होंने ऑक्सीजन OS 15 का अपडेट है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस अपडेट के अंदर प्रॉब्लम्स है वो मिलती है या फिर नहीं, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसा है और ओवरऑल आपको अपडेट की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर कैसी देखने को मिलती है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए गाइस। वीडियो आपको ये अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे इस स्मार्टफोन के लिए ऑफिशियल अपडेट रिलीज होगा तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और ऑफिशियल अपडेट की जो रिलीज टाइमलाइन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो गाइस ये अपडेट है वो जब रिलीज हुआ था तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई थी OnePlus के टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अभी तक गाइस काफी सारे ऐसे यूजर हैं जिन्होंने इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है तो उनका जो रिव्यू है ना वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन के बारे में, जो कि पहले वाले अपडेट के कंपैरिजन में थोड़ी आपको यहाँ पर स्मूथ देखने को मिलती है और ऐसा लगता नहीं है कि हमने कोई बड़ा अपडेट है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई बड़ा अपडेट इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बग्स हैं वो हमें जरूर से देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वाले अपडेट के अंदर आपको कोई भी यहाँ पर बग्स है वो देखने को नहीं मिले। सेकंड हम लोग बात करें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, मतलब कि बैटरी चल कैसी रही है अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में, तो गाइस मैं आपको यही कहना चाहूंगा अपडेट है ना वो आपको पहले वाले अपडेट के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंसेस है वो नहीं मिलेंगे, बस फीचर है उनको यहां पर ऐड किया गया है। बाकी ओवरऑल आपके फोन की जो बैटरी का परफॉर्मेंस आपको पहले मिल रहा था सेम वैसे परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल रहा है, ना ही तो यहां पर बैटरी बैकअप है वो यहां पर इंक्रीज हुआ है और ना ही बैटरी बैकअप है वो आपको यहां पर डिक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अपडेट के अंदर कोई मैसिव प्रॉब्लम है वो यहां पर मिलती है या फिर नहीं, तो ये हमारा OnePlus का ऑक्सीजन OS अपडेट का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको सभी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कमेंट्स हैं वो रीड करता रहता हूँ यूजर्स के, और जितने भी यूजर ने जिन्होंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया है ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है वो हमें देखने को नहीं मिली है। अगर इस अपडेट के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम मिलती जैसे कि ग्रीन लाइन हो गई या फिर कोई और इश्यू वगैरह हो गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सबसे पहले टेलीग्राम पे या फिर एक्स पे तो देखने को मिलती, जो कि अभी तक कोई भी बेसिक प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो अपडेट एकदम सेफ है, इसके अंदर ग्रीन लाइन की इश्यू जो है ना वो अभी तक तो यहां पर देखने को नहीं मिली है, आगे यहां पर देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी देखने को मिल सकती। अपडेट की जो एनिमेशन है वो आपको काफी स्मूथ देखने को मिलती है, जैसे कि अभी के लिए हमने ये वाला सेटअप है वो यहाँ पर क्रिएट करके रखा है, तो आप लोग देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, दोनों के बीच में का जो टाइम है ना वो यहाँ पर काफी रिड्यूस हो चुका है और आप लोग देख सकते हो काफी स्मूथ एनिमेशन है वो OnePlus की तरफ से प्रोवाइड की गई है और यूजर्स का अभी तक तो एकदम पॉजिटिव फीडबैक है कि OnePlus की तरफ से इनका जो पुराना ऑक्सीजन OS अपडेट जो मिला करते थे ना, जो कि काफी स्मूथ हुआ करते थे, बग्स काफी कम मिला करते थे, सेम टू सेम वैसा ही अपडेट है वो OnePlus की तरफ से बनाने की कोशिश की गई है ऑक्सीजन OS 15 की। बाकी आपको गाइस इन सभी फीचर्स के बारे में तो पता ही होगा, आपने यूज कर लिया होगा, इतने दिन है ना वहां पर हो चुके, 2 दिन से भी ऊपर अपडेट को रिलीज हुए। बाकी अगर आपको कंप्लीट फीचर्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमने ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को वॉच करके कंप्लीट फीचर्स के बारे में यहां पर जान सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन गाइस आपको अपडेट के अंदर चेंज देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा मैटर करती है कि हमारा जो फोन है ना उसका जो चार्जिंग टाइम है वो इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज होने के बारे में तो आप लोग कम ही सोचते होंगे, क्योंकि OnePlus की तरफ से जो नए अपडेट्स आते हैं ना उनके अंदर यही वाला सबसे बड़ा बग है ना वो यहाँ पर मिलता है कि फोन है ना वो चार्ज होने में काफी ज्यादा टाइम लगाता है, तो इस बार ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। अपडेट का जो चार्जिंग टाइम है वो आपको सेम ही देखने को मिलता है, पहले जितना टाइम लगता था ना सेम अभी भी उतना ही टाइम है वहां पर चार्ज होते हुए लगते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि OnePlus की तरफ से काफी सारे नए फीचर्स भी आ चुके हैं और बग्स है ना वो भी हमें यहाँ पर कम से कम देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस आप लोग इस अपडेट को जरूर से ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी ये जो अपडेट है ना वो आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि इस अपडेट का जो बीटा फोरम है वो पहले ही यहाँ पर आ गया था और अगर आपने उस बीटा फोरम को फिल किया रहेगा ना तभी आपको ये वाला अपडेट मिलेगा, और ये जो बीटा फोरम आया था तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। तो उस टाइम पे जितने भी जो यूजर हैं जिन्होंने इस अपडेट के लिए अप्लाई
अप्लाई कर दिया था उनके लिए नेक्स्ट डे अपडेट है ना वो यहाँ पर आ गया था। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप लोग बीटा 2 अपडेट है उसका वेट कर सकते हो, एक से वीक के अंदर यहाँ पर बीटा 2 अपडेट है वो आ सकता है जिसकी साइज आपको मिलेगी 700 MB से लेके 800 MB के बीच में, और उसके अंदर और जितने भी जो बग्स है ना उनको भी यहाँ पर वन प्लस की तरफ से फिक्स किया जाएगा। बाकी अब हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट के बारे में, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ OnePlus 12, OnePlus 12R इनके लिए जब भी बीटा अपडेट आया था नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ऑफिशियल अपडेट है वो यहां पर आ गया था। अब आपको OnePlus 11R जो स्मार्टफोन है उसके लिए जो अपडेट है ना वहां पर परसों की डेट के अंदर देखने को मिल गया था, मतलब कि 14 नवंबर को, तो आपको वेट करना है 25 नवंबर के अप्रोक्स आपको ऑफिशियल अपडेट है वहां पर मिलने के पूरे चांसेस है। बाकी देखते हैं OnePlus की तरह अपडेट है ना वहां पर कब तक रिलीज किया जाता है। तो गाइस आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और ये सभी जो वॉलपेपर मैं यूज कर रहा हूं वो आपको मिल जाएंगे OnePlus के टेलीग्राम चैनल के अंदर सहेज वॉलपेपर, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।